प्रतिष्ठा हुई है, भंडारा चल रहा है, क्या है पूरा आयोजन? ये हम लोग सुंदरकांड मंडली छिंदन कोटी के नाम से सुंदरकांड मंडली चलती है, वो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, वो आज समय आया है, हम लोगों ने आज प्राण प्रतिष्ठा करवाई नगर के सहयोग से। एक तरफ अयोध्या में राम लला विराजे हैं, इधर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सुंदरकांड सुबह से चला है, कितने लोग श्रद्धालु आ चुके हैं सुबह से? अब जी तो अपन अंदाज नहीं लगा सकते हैं कितना हो, मगर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वर्तमान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। सुंदरकांड भी सुबह से चल रहा है? सुंदरकांड भी चल रहा है, आज से अगले कल से कल अगले मंगलवार से हम लोग फिर प्रारंभ हो जाएगा सुंदरकांड। हम लोग 108 सुंदरकांड करते हैं, माह में चार होते हैं, जो 30 माह में हम लोगों की 108 होती है, इसके बाद हम लोग हवन पूजा करते हैं, भंडारा करते हैं। यह हमारे नगर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री प्रभु श्री राम जी हमारे नगर में भी आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विराजमान हुए हैं, और यह सभी नगरवासियों के लिए भी बहुत ही हर्ष का विषय है। और प्रभु राम के विराजमान में आज हमारे झिंदन वाले हनुमान जी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन भी हो रहा है, और सभी नगरवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्री राम के आगमन की। जय श्री राम बोलते जाओ, जय श्री राम जी। किस तरीके का आयोजन हो रहा है यहाँ? ये भगवान श्री राम जी आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उसी तरह आज उनके ही जो पुत्र है लवकुश, उनकी नगरी है ये लवकुश नगर, यहाँ भी श्री राम जी का विराजमान हुआ है, उन्हीं के उपलक्ष में आज भंडारा भी है और भगवान का विराजमान भी हुआ है, सभी को चंदन, कन्याओं का भोजन, लगातार सुंदरकांड का पाठ भी सुबह से चल रहा है। बराबर सुबह से भगवान श्री राम का सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है।